गुरु गोविंद सिंह की जयंती पर पटना साहिब पहुंचे सीएम नीतीश कुमार, गुरुद्वारे में टेका मत्था। पटना में शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए सड़क पर उतरे तेजस्वी यादव, ऑन द स्पॉट डीएम को फोन कर लगाई फटकार। रांची में काके स्थित बीजेपी कार्यालय में बीजेपी विधायक समरी लाल ने किया प्रेस कॉन्फ्रेंस, इस दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। मुंगेर पहुंचे आरजेडी के राष्ट्रीय महासचिव व पूर्व मंत्री जयप्रकाश नारायण यादव, इस दौरान उन्होंने किला परिसर स्थित परिसदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कृषि कानून के विरोध में सरकार पर जमकर हमला बोला। बिहार में आका बोल वाला है और बिहार पर अपराधियों का कब्जा हो गया है तंत्र पर। ये जो है कि पूरी के पूरे जो है बिहार की हुकूमत जो है संपूर्ण रूप से जो है फेल हो चुकी है और कानून व्यवस्था का इसका चक्का ध्वस्त हो चुका है। गया में मिशन परिवार विकास अभियान के तहत जन जागरूकता के उद्देश्य से डीएम ने 10 जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। 26 जनवरी को लेकर रांची में तैयारी मुकम्मल, रांची के मुरादाबादी मैदान में गणतंत्र दिवस को लेकर तैयारियों में जुटा जिला प्रशासन। नालंदा में पिछले 5 दिनों से ठंड का कहर जारी, ठंड से लोगों का जीना हुआ मुहाल, लोगों को लेना पड़ रहा है अलाव का सहारा। बाढ़ में घने कोहरे की कहर ने ली 11 मवेशियों की जान, अनुमंडल के बख्तियारपुर में मवेशी भरी ट्रक पलटी। गोपालगंज में उत्पाद विभाग को मिली बड़ी सफलता, टीम ने बोलेरो से भारी मात्रा में बियर किया जब्त, तो वहीं शराब बरामदगी के दौरान शराब तस्कर हुए फरार। सहरसा के शाहपुर पंचायत में आम सभा में सेविका पद के लिए चयन, वहीं सोनवर्षा बीडीओ रहे मौजूद। रांची के अरगोड़ा थाना में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने वेब सीरीज तांडव के खिलाफ दर्ज करवाया FIR, कार्यकर्ताओं का आरोप है वेब सीरीज में हिंदू देवी देवताओं का घोर अपमान किया गया है। सहरसा पुलिस को मिली बड़ी सफलता, लूट व छिनताई की घटना को अंजाम दे रहे कोड़ा गैंग के 6 सदस्यों को किया गिरफ्तार, SP लिपि सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। छिनताई की जो घटनाओं को अंजाम दे रहे थे उसके कोड़ा गैंग के 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। गुप्त सूचना के आधार पे मिला कि SBI जो यहाँ का मेन ब्रांच है वहाँ पे 2 संदिग्ध लोग रेकी करते हुए देखे गए। पटना में अपराधियों के हौसले बुलंद, दिन दहाड़े बाइक सवार अपराधियों ने कोर्ट के मुंशी को मारी गोली, घटनास्थल पर हुई मौत, मामले की जांच में जुटी पुलिस। मसौढ़ी के तारिकनाथ स्टेशन पर रेलवे ट्रैक पार करते समय 55 वर्षीय अधेड़ व्यक्ति की मौत, मौके पर पहुंचकर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कौशल विकास केंद्र झाझा के द्वारा 244 छात्र छात्राओं को दिया गया प्रमाण पत्र, इस दौरान मौके पर झाझा SDPO BDO समेत अन्य अधिकारी रहे मौजूद। लातेहार के चंदवा में बाल श्रमिक अधीक्षक ने चंदवा के प्रतिष्ठान में मारा छापा, इस दौरान कई पदाधिकारी रहे मौजूद। मसौढ़ी के मेन रोड करपुरी चौक के पास किराना दुकान का शटर काटकर चोरों ने लगभग 25,000 कैश लेकर हुए फरार, अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज। मधुबनी के जयनगर के अनुमंडल कार्यालय परिसर में निगम के सहायक प्रबंधक ने स्थानीय थाने में आवेदन देकर लगाई गुहार, ट्रक ड्राइवर और एक अज्ञात महिला के खिलाफ हाथापाई, पैसे की चोरी और जान से मारने की धमकी देने का दर्ज का शिकायत। मुजफ्फरपुर में मिली पुलिस को बड़ी सफलता, लूटपाट करने वाले एक बड़े गिरोह का किया पर्दाफाश, पुलिस ने 3 अपराधियों को हथियार के साथ किया गिरफ्तार। पिछले 24 घंटों में मुजफ्फरपुर पुलिस को अपराधियों के एक बड़े गैंग को पकड़ने में सफलता मिली है। पुलिस की टीम ने रेड की, रेड के दौरान वैशाली के और मुजफ्फरपुर के 4 क्रिमिनलों को अरेस्ट किया गया। राज्य में नहीं दिख रहा शराबबंदी का असर, बिहार शरीफ सदर अस्पताल के समीप फेंकी हुई मिली दर्जनों शराब की बोतल, बताया जा रहा अस्पताल कर्मी रात में करते हैं शराब का सेवन। लातेहार के चंदवा पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब की खेप को किया जब्त, रांची से बिहार सप्लाई की जा रही थी अंग्रेजी शराब। बोकारो से रांची जा रही चलती ट्रक में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर खाक। लातेहार जिला के मोहडाट प्रखंड में अज्ञात अपराधियों ने बस को जलाया, सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस अब फरार अपराधियों की तलाश कर रही है।